अनुसूचित जाति जनजातियों से नफरत करने वाली सोच अपराधियों के मनोबल को आप बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री की भी भूमिका में है आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ। अपराध को लेकर बिहार लगातार बदनाम है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार बिहार में हो रहे अपराध पर ज्ञान बांटते हुए दिखते हैं। नीतीश कुमार हमेशा से अपने बयानों में कहते हुए दिखते हैं कि बिहार की में कानून जो है वो सख्ती से लागू है, लेकिन नीतीश कुमार की इस सुशासन वाली सरकार की नीति के ठीक विपरीत है बिहार की भूमि। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों बिहार से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो बिहार में सुशासन का जो कानून है उसकी पोल खोल के रख देती है। जहां एक तरफ बिहार में अपराध बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के सुशासन बाबू को अपनी कुर्सी पे आई है। बिहार में अपराधी बेखौफ घूमते हैं। यहां आए दिन प्रतिदिन अपहरण, फिरौती, मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ रही है। कहीं जेल में पार्टी होती वीडियो सामने आती है, तो कहीं नेताओं के घर पे शराब की पार्टी होती की खबर सामने आती है। लेकिन इन सब के बावजूद सुशासन बाबू को ये सब नेचुरल दिखता है। इधर एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बढ़ते क्राइम को अपने कुतर्कों से ढकने की कोशिश करते हैं, वहीं उनके विरोध में विपक्षी पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जो नीतीश कुमार के सुशासन वाले कानून पे सवाल खड़े करते हैं, जिनमें एक नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच काफी विवादित बयान सुनने को मिल रहा है। कभी दोनों एक दूसरे की राजनीति पे तंज कसते हैं, तो कभी दोनों एक दूसरे की निजी जिंदगी को लेके बयानबाजी करते हैं। दोनों ही नेता एक दूसरे में विवादित बयान देते हुए आए दिन दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार के सुशासन वाले कानून पे सवाल खड़े किए हैं, जहां उन्होंने नीतीश कुमार को जनाधार खोने वाला नेता का नाम दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस पार्टी का नीतीश जी विरोध किया करते थे, आज उन्हीं पार्टी के साथ वे गठबंधन में जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, ये नीतीश कुमार की नाकामी को साफ दिखाता है। और क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, आप इस वीडियो के माध्यम से खुद सुन लीजिए। नादवल में घटना घटी है, उसमें एक दलित परिवार को दबंगों के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था, उनकी बच्ची के साथ छेड़खानी की जा रही थी। पासवान जाति से वो लोग थे और दबंगों ने उनके घर को जला दिया, उसमें माँ बेटी की मौत भी हो गई है। क्या चल रहा है? देखिए, ये बात शाश्वत सत्य साबित होती जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में जहां एक तरफ अपराध पूरी तरीके से चरम सीमा पर गया है, वहीं अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों का उत्पीड़न टारगेट के तौर पे, मतलब उनको निशाने पे रख के उनके उत्पीड़न में अगर आप आंकड़े भी देखें, जितनी वृद्धि हुई है अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों के हो रहे के ऊपर हो रहे अपराध को लेकर, भले वो बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी दुष्कर्म की घटनाएं हों या किसी चौकीदार को गोली से भून देने की बात हो, एक के बाद एक घटना इस तरीके से सामने आती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहते हैं। किसी पीड़ित परिवार से जाके मिलना, उसके दुख में उसके साथ खड़े होना तो बहुत दूर की बात है। और भाई, जब मैं खड़े होने की बात करता हूँ, मुझे भी पता है कि आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस परिवार ने जिस व्यक्ति को खोया है, वो व्यक्ति वापस नहीं आने वाला, पर एक कड़ा संदेश कम से कम जाता। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर ऐसी घटनाओं पर जाते तो कड़ा संदेश उन अपराधियों के खिलाफ जाता और भविष्य में संभवतः ऐसी घटनाओं में कटौती होने की संभावनाएं थी। पर मुख्यमंत्री जी का नहीं जाना, ये अपने में दर्शाता है कि आप अपराधियों के मनोबल को आप बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से अरवल में कल रात ये घटना घटी है, ये अपने में पुनः ना सिर्फ इनके सुशासन के ऊपर सवाल खड़े करती है, बल्कि जो टारगेट किलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, भाई अनुसूचित जाति के लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी दलित विरोधी हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, और ये मैं कोई एक राजनीतिक स्टेटमेंट देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री जी की सोच ही रही है। अनुसूचित जाति जनजातियों से नफरत करने वाली सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रखते हैं और यही कारण है कि वो ऐसे अपराधियों का संरक्षण करते हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्यों इनका प्रशासन मुस्तैद नहीं होता? क्यों प्रशासन के लोगों को जानकारी होने के बावजूद, बहरहाल अभी मैं जाऊंगा मिलूंगा परिवार से, जानकारी और स्पष्ट रूप से सामने आएगी, पर कई बार ऐसी घटनाओं में ये जानकारी सामने आती है कि प्रशासन को पहले से ही खबर थी
पीड़ित परिवार पहले से ही प्रशासन को जानकारी दे रहा था। इसमें भी कहीं ना कहीं से यही जानकारी सामने आ रही है कि भैया प्रशासन को पहले भी ये लोग इस तरीके की घटना घट सकती है उसकी जानकारी दे रहे थे, तो क्यों पहले कार्रवाई नहीं होती? क्यों कोई ऐसी घटना के घटने का ही इंतज़ार किया जाता है और उसके बाद जब मुख्यमंत्री एक मौन साध लेते हैं, और मुख्यमंत्री ही नहीं भाई, गृह मंत्री की भी भूमिका में है आप, जिम्मेदारी आपकी दोहरी हो जाती है जब आप एक गृह मंत्री की भी भूमिका में है। बहरहाल यही तमाम कारण है जब मैं कहता हूँ कि भैया जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे ये घटनाएं घटित होती ही रहेंगी। अभी हम लोग आरा में गए थे, एक के बाद एक हत्याओं की श्रृंखला वहाँ पर बना दी गई थी, उसके खिलाफ सड़क पर उतर के हम लोगों ने पदयात्रा भी की, पर हकीकत है कि यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में ऐसी ही है। व्यवसायियों को आप टारगेट कर रहे हैं, कौन सा ऐसा वर्ग नहीं है जिनको आप टारगेट नहीं कर रहे हो? एक एक करके टारगेट किलिंग हो रही है, और मुख्यमंत्री जी का मौन रहना कहीं ना कहीं एक मौन समर्थन है उन अपराधियों के पक्ष में जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।